असर्टिव देखा, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव कैसे बनाएं और इंपरेटिव को असर्टिव कैसे बनाएं। आज हम अगले पड़ाव पे जाएंगे, उसमें सीखेंगे कि हम इंटरोगेटिव को या किसी क्वेश्चन को असर्टिव कैसे बनाएं। तो आप जानते हैं इंटरोगेटिव के दो पार्ट हैं, एक है एसनो टाइप क्वेश्चन और एक है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। दोनों के सेपरेटली हम इस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके असर्टिव कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम देखेंगे एसनो टाइप क्वेश्चन का असर्टिव कैसे बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको एसनो टाइप दिया हुआ है तो उसका असर्टिव कैसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको एक्सेप्टेबल लगे, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको सुंदर लगे, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए। बात बराबर। आइए देखते हैं, हैव यू सीन एनी हिस्टोरिकल प्लेस, हैव यू सीन एनी हिस्टोरिकल प्लेस, यह एक एसनो टाइप क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसको इस रूप से कन्वर्ट करना है, इस रूप से कन्वर्ट करना है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाए, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए, हो गया असर्टिव। पहला नियम तो यह होता है, जब भी आपको किसी एसनो टाइप सेंटेंस का असर्टिव बनाना हो तो करें क्या, सिंपल, जस्ट अपोजिट। जैसे आपने असर्टिव का एसनो टाइप बनाया था उसी का अपोजिट यहां पर आ जाइए। क्या करेंगे, जब भी आपको एसनो टाइप क्वेश्चन का असर्टिव बनाने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, ये है, और सब्जेक्ट कहां है, यहां पर है। बात समझ आई ना। अब इसी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर लीजिए, माने सब्जेक्ट को बाहर कर लीजिए, आपका काम हो गया, या फिर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद कर लीजिए तब भी आपका काम हो गया। देखिए यहां पर ये यू आप लेंगे बाहर, यू हो गया। अब जब यू आपने बाहर लिया, हैव अपने आप अंदर हो गया ना, यू हैव। पहला स्टेप, हेल्पिंग वर्ब को अंदर कर लो या सब्जेक्ट को बाहर कर लीजिए या फिर दोनों के स्थान को चेंज कर लीजिए। मैंने एक ही बात को तीन तरीके से बोला है, कुछ भी करो अपने आप को सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हेल्पिंग सब्जेक्ट को बाहर कर लिया, यू बाहर हो गया, है अंदर कर लिया, हो गया। अब एक काम और ध्यान देना, बस एक काम, अगर इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कंपल्सरली लगा लेंगे, ये देखिए नॉट, और अगर होता तो नहीं लगाते। अब ये देखना, आपने सब्जेक्ट बाहर लिया, यू हैव नॉट, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि इसमें नहीं था। अब पूरा सेंटेंस बिना किसी चेंजेस के आप ले डालिए, हो गया, यू हैव नॉट यहां पर आ गया सीन एनी हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, अब यहां पर आप लगा लिए फुल स्टॉप, हो गया असर्टिव आपका। बात समझ में ना। तो शॉर्ट देखिए, जब भी एसनो टाइप का आपको असर्टिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब जो बाहर है उसको अंदर कर लीजिए, नॉट नहीं है तो लगा लेना और है तो निकाल देना। एग्जाम्पल नंबर दो देखिए, समझ में आ जाएगा। यहां पर वुड यू नॉट लाइक शेयर योर आइडिया, यू वुड यू नॉट लाइक टू शेयर योर आइडिया। अब इसमें देखिए, यू बाहर लीजिए, वुड अंदर हो जाएगा, यू वुड, अब नॉट आपको यहां पर नहीं लेना है, आगे पूरा लिख लेना, यू वुड लाइक टू शेयर योर आइडिया, फुल स्टॉप, हो गया। अब देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया नियम से, रूल्स इसका यही है। अब बिना नियम का हम कैसे करेंगे, बिना नियम का होता है एक आइडियोलॉजी और एक होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आप ये समझिए, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से सिंपली विदाउट क्वेश्चन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर आप वो लिख सकते हैं आपका असर्टिव बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर एक, जैसे मैंने कहा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं,
क्या आप मुझे जानते हैं? मारे इस तरह से अगर कोई तभी बोलता है जब ये बताना चाहता है भाई तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। अगर सिंपली बोलेगा, इन असर्शन बोलेगा, इन स्टेटमेंट बोलेगा तो ये बोलेगा वे तू मुझे नहीं जानता। और क्वेश्चन पूछेगा जानता क्या मुझे तू, हो गया। अगर कोई पूछता है डू यू नो मी, डू यू नो मी, इसका मतलब कहना चाहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। और उल्टा देखिए डोंट यू नो मी, आप मुझे नहीं जानते क्या, आप मुझे नहीं जानते क्या, इसका मतलब वो कहना चाहता है तू तो मुझे जानता है। ज्यादा तीन पांच मत कर। इसका मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर न बोले क्वेश्चन के रूप में वो एक्चुअली कहना क्या चाहता, ये देखिए डू यू ट्रस्ट हिम, क्या आप उसका विश्वास करते हैं। एक नियम तो इसका ये हो गया यू बाहर कीजिए डू अंदर कीजिए, यू डू नॉट लगा लेंगे यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, एक आंसर ये हो गया नियम से। दूसरा देखिए, दूसरा क्या आइडियोलॉजी से, ये कोई बोलता है डू यू ट्रस्ट हिम, क्या आप उसका ट्रस्ट करते हैं, मतलब वो कहना चाहता है आपको उसका ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो कहना चाहता भैया दे यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, हो गया सर माने यू टू डू यू ट्रस्ट हिम, आप उसका विश्वास करते हैं क्या, इसका मतलब कहना चाहता है यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम। या एक और देखो आई डोंट ट्रस्ट हिम, माने यहां पर आपके डू यू ट्रस्ट हिम के ये इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप के तीन असर्टिव हो गए। क्यों हो गए, मीनिंग के आधार पर। एक तो हो गया नियम के आधार पर, हेल्पिंग और अंदर करो सब्जेक्ट बाहर करो हो जाएगा। दूसरा होता है मीनिंग के आधार पर, डू यू ट्रस्ट हिम, क्या आप उसका विश्वास करते हैं, मतलब कहना चाहता है आप उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं तो उसका विश्वास नहीं करता, आप करते हैं क्या, आप उसका विश्वास करते हैं क्या, मैं तो नहीं करता। हर इस प्रकार से किसी भी तरह से जाकर के आप असर्टिव बना सकते हैं। असर्टिव बनाना बहुत ही आसान होता है, बस जरूरत होती है कुछ सेंटेंस लेकर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करके आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगले पार्ट में हम असर्टिव कैसे बनाएंगे, उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं उसका, अभी आपने यस नो टाइप देखा, अब कुछ देखेंगे डब्ल्यू टाइप में। ये रहे आपके सामने कुछ डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन और उसका हम असर्टिव कैसे बनाएंगे उसको हम इसमें समझेंगे। ध्यान ये रखना असर्टिव बनाते समय आपने अगर ये बात समझ लिया कि असर्टिव बनाने के लिए चाहे असर्टिव एक्सक्लेमेटरी का हो, चाहे एसनो टाइप का हो, और चाहे इम्परेटिव का हो, चाहे डब्ल्यू टाइप का हो, अगर आपने इसकी आइडियोलॉजी को समझ लिया तो आपको ये बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आइए हम पहले देखते हैं आइडियोलॉजी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यही क्वेश्चन किसी से सिंपली पूछना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन रूप में नहीं, तो आप क्या पूछेंगे, भाई मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप किधर जा रहे हैं, यह असर्टिव हो गया। मैं जानना चाहता हूं, लिख दो भाई ना आई वॉन्ट टू नो, फिक्स। डब्ल्यू टाइप के लिए ये पहला पोर्शन फिक्स। अगर ये पास्ट में है तो आप यहां पास्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट कर दीजिए आई वॉन्ट टू नो। अब पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फुल सेंटेंस। बस एक काम करना, जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है ना उसका साथ छुड़ाना है, माने ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद करना है। आई वॉन्ट टू नो वेयर, हो गया यू आर गोइंग। अब यहां पर स्टॉप कर दीजिए, आपका असर्टिव बन गया। आपको ये बात जाननी चाहिए जितने भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होते हैं इसके दो मीनिंग होती है, एक तो होती है इसकी मीनिंग कैसे और एक होती है जैसे। का मीन्स क्वेश्चन मार्क, जैसे हु है, हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जो, कौन जो, वेयर कहां जहां। अब ये कैसे बनता है, जब इसकी मीनिंग कहां होगी तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन
अब जहां होगी, जब होगी, जैसे होगी, हो जाएगी कंजंक्शन। ये कैसे होगा? अगर डब्ल्यू स्टाइल के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तब ये क्वेश्चन का काम करेगा, और डब्ल्यू स्टाइल के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यही वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। वही यहां पर हुआ, देखिए डब्ल्यू एच वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब था, ये क्वेश्चन वर्ड था, माने क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपने किया क्या, इसमें डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब को यहां आपने डिस्प्लेस कर दिया, बदल दिया स्थान को। अब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब वेयर अब क्वेश्चन की मीनिंग नहीं देगा, बराबर है। वैसे ये देख लो थर्ड में आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना, एक मिनट मिनट और बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नियम है, कुछ भी, आई वॉन्ट टू नो, दे वॉन्ट टू नो, इट सीम्स आई वॉन्ट टू नो, ऐसा कुछ करके यहां ऐड कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेन हो गया, अब इसको यहां लीजिए वेन दे विल कम, फुल स्टॉप, ठीक है, आपका ये हो गया। और जरा अभी जरा वाई का देख लीजिए, वाई मैंने बीच छोड़ दिया क्योंकि इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो आप ये नियम लगा सकते हैं आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट नो वाई यू आर सो लेट ना, एक और हो सकता अगर आपसे कोई पूछता है भाई आप इतना लेट क्यों है, एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है आपको इतना लेट नहीं होना चाहिए, बबर है आप इतना लेट क्यों है, वो कहना क्या चाहता है आपको लेट नहीं होना चाहिए, आप क्यों नहीं आए मतलब आपको आना चाहिए था, ठीक है। वैसे इसमें क्या करेंगे, जब भी वाई का हो, जब भी वाई सेंटेंस हो, एक नियम तो आप ये लगा सकते हैं आई वांट, दूसरा क्या होगा, जब भी वाई सेंटेंस हो आप पहले सब्जेक्ट ले लीजिए, अब सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब सुन लीजिए यू शुड, और अगर ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगा लेना, और नहीं है तो, अगर अफर्मेटिव है तो नॉट लगा लेना, नेगेटिव है तो नॉट निकाल देना। क्या किया आपने, यू लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया बाहर, हेल्पिंग वर्ब ये ले लिया, शुड ले लिया, शुड पर नॉट लगा लिया, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें नहीं था। अब ध्यान देना इसके बाद में, नॉट के तुरंत बाद में वर्ब फर्स्ट में चाहिए, इस सेंटेंस में वर्ब जहां कहीं भी हो उसको जिस किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी, आप उसको यहां पर फर्स्ट फॉर्म में ही करेंगे। अब इसमें वर्ब कहां है, आप लोग बोलेंगे इसमें वर्ब तो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके सही बात है, आर है ना, तो ध्यान देना इच एम आर वाज वर्ब, इच एम आर वाज वर्ब, ये पांचों का फर्स्ट फॉर्म होता बी, तो यहां पर आर का हो जाएगा बी, यू शुड नॉट बी सो लेट। इस प्रकार से आप किसी भी डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस का असर्टिव बहुत 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 आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जा करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें, और उसको भरपूर अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि यह कंटेंट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जो बातें मोस्टली ग्रामर में बड़ी दुरूह लगती हैं, बड़ी सिंपल होती इस प्रकार से, ताकि हर कोई इसको समझ पाए। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और अच्छे और सुंदर पॉइंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।